तो अभी हम लोग जा रहे हैं फातू खाला के इधर दावत में, क्योंकि आज फातू खाला ने दी है दावत। तो अभी हम लोग उधर सब लोग जा रहे हैं। वो मैं लाली देखो लगा रही नहीं, बहुत दिन के बाद लगाई हूँ लाली, क्योंकि लाली और आप लोग सब लोग बोलते मेरी आँख सुनी सुनी है, क्योंकि मैं आँख काजल नहीं लगा रही, इसके लिए मेरी आँख सुनी सुनी है ना। इंशाल्लाह बहुत जल्द लगाऊंगी काजल, है ना। मैं बोली आपने मुझे फ़ोन करके बोली छोटी हो रही है करके, मैं बोली भी छोटी हुई थी। और अभी जा रहे फातू खाला की दावत में, तो फिर मैं सब आप लोग को आगे का वीडियो बताऊँगी। और आज मैं तो अभी बाद में ब्लॉग डालूंगी ना, बाद में चार पाँच दिन के बाद में तो मैं रील्स बना के डाल दूँ, रील्स में सब देखेंगे ना। और मेरी सोफ़ी के भी चैनल को सब्सक्राइब करो, सोफ़ी ब्लॉग है ना, सोफ़ी ब्लॉग, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे वो भी वीडियो बना रही है। तो आप लोग मेरी बेटी को भी ऐसे लाइक करो, सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो अभी आए हैं बोरी वाले घर पे, ये है मेरा बोरली वाला घर, है ना। लाले भी है, अम्मी भी है, आपरी ने और हम लोग सब लोग जा रहे हैं जा रहे पाती का। और आपरी काका गई थी आज, पूछो। मैं गई थी आज मरियम आंटी के वहाँ, और किधर गई थी, मरियम पापा की अम्मी के इधर, हाँ, और यास्मीन आपा के और अब्दुल अंकल के वहाँ, हाँ, और फिर सुल्तान अंकल भी आए थे लेने, क्योंकि बहुत जगह तबरुक बांटने का है, बहुत जगह बांटने का है। तबरुक बांटते बांटते मैं थक गई हूँ, थकने गई हूँ, समझ में आ रहा है किधर बांटू, कौन जाएगा देने को। नेक्स्ट के लिए बच्चे लोग को भेज रही हूँ, आधे बच्चे लोग इधर, आधे बच्चे लोग उधर, आधे छोकरे इधर, आधे छोकरे उधर, सब ऐसे जा रही हूँ। जिसके अगर मैं किसी के भी घर पर तबरुक बांटने नहीं गई, इसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग तबरुक भरते भरते थक गए ना लाले, माशाल्लाह रोज की ड्यूटी लग गई है, बहुत हो गई माशाल्लाह। तबरुक सब दुआ दिए थे, सबने दुआ दिए थे, सबसे ज्यादा तवाफ हमने नहीं कर रहा, हमारे सेफ भाई ने बोले 120 लोगों में हमारी अम्मी को माशाल्लाह मानना पड़ेगा आफरीन है, और क्योंकि माशाल्लाह चलते रहिए और तवाफ भी ज्यादा किए और माशाल्लाह थके भी नहीं, और उमरा भी माशाल्लाह, कितनी उम्र की अम्मी देखो, पांच मैं खुद जाके पांच उम्र नहीं करे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखो माशाल्लाह, और अल्लाह ऐसे ही सबको अपने ग्रुप में, मैं सब में ज्यादा मेरी अम्मी की तारीफ करे कि मेरी अम्मी चलने में, तवाफ करने में कोई चीज में नहीं थकिया, ना ही मेरी अम्मी के पाँव दर्द हुए ना कुछ। और आफरीन की भी तारीफ काफी लोग ने करे, क्योंकि आफरीन ने सब लोग को नमाज पढ़ाई उधर, और सबको क्या बना के दे रही थी बेटा, वही परमिट, परमिट आफरीन उधर सबको बना के दे रही थी। तो आफरीन का या मतलब काफी लोग ने पूरे ग्रुप में तारीफ करे आफरीन की, और आफरीन ने उसकी दादी को भी बहुत अच्छे से संभाली उधर। ये मैं तो नहीं थी जो ग्रुप में थे, जो ग्रुप के मेन सेफ भाई लोग, मिस्टर भाई लोग, सब ने मेरी अम्मी की, आफरीन की, सबकी इतनी तारीफ करे ना कि मेरा दिल खुश हो गया माशाल्लाह। और अभी हम जा रहे हैं फातू खाला के इधर, अभी हमारी मैडम पार्ट टू तैयार होने गई है, तो हमेशा लेट लर्निंग रहती है वो, है ना। अरे माशाल्लाह, घर पे दावरी का फातू खाला ने कितनी सारी मच्छी फ्राई करे, इधर देख मच्छी में लोट लोट के बाद जे लोट लोट के तो कैसा खाएंगे हम लोग, मेरा बेटा बोला ना, बोला ना बेटा मैं पूरा प्लेट लेके चली गई, बोल लेके जा वाली यहां से। और क्या क्या, और क्या क्या बनाए ले, क्या बताइए, सर पे लगाए ले देखो, बताओ ना क्या क्या बने, सही बोल रही, कोथमीर छोड़ो, मच्छी भी पूरी अंडी लगी थी नहीं, नहीं नहीं नहीं। और क्या क्या बना है, पापलेट, हलवा नहीं, पापलेट, बोमिल है ना, बांगड़ा, झींगा, चम्मच नहीं लाई छोकरे, झींगा अच्छा बड़ा बड़ा झींगा मच्छी का सालन, सालन दिखा, हाँ मच्छी का सालन पहले मेरे को खाने का, मच्छी दिखाओ पहले, सालन दिखाओ, नहीं मैं तो पूरा देने वाली, मैं टिफिन लेके जाऊं, बड़े झींगे कैसे बताया, मैं बोलती मैं खुद आज झींगा हो गई, पापलेट हो गई, चपट चपट हो गई,
कितनी मेहनत करे बिचारी हमारे कौन सी मच्छी है ये? अरे पूछ मत मच्छी का नाम, मच्छी का नाम भूल गए, कोई आया ही नहीं खाने को, कोई हो गया तो भाई भेज दे। अरे अल्लाह की ये चिकन फ्राई भी रही, वो तो मेरी लड़की लाई है। अरे मैं बोला तुझसे नारो ऐसा बोल रही थी ना मैं। दावत दिए ना कि आप बोला ना रोके बोला पेट भर के खाना खाते रो रो मेरा आदमी का पेट भर के ये बिरयानी नहीं दिखाओ ये देखो। हां और ये भी देखो, लेकिन इतना सारा क्यों मंगाए फिर, इतना सारा था तो बिरयानी क्यों मंगाए? मैंने खुजली कोई नहीं बोलते कब आएंगे, फिर आधे लोग नहीं आए ना है ना, आधे लोग क्या बोले कैमरा उधर ही लगा सही क्यों आएंगे आज कैमरा इधर ही रखो शुरुआत में चालू कर मेरा वीडियो। हाँ शुरुआत में चला डालूंगी। अच्छा सलाम वालेकुम कुसुम नायक को मैंने दावत दी थी सबको लेके आना, बोली मच्छी कौन सा कोई भी बनाओ मेरा मन हम लोग को खाना दो दिनों भैया ने क्या कल मगाते आज मैं बोली कल ले आएगी उसके आ जाएगी पत्तों खाना बच्ची बोला सुनो तो सही खाली इतना बोलो ना पेट भर के बाद ये पेट भर के लेकिन तुम लोग को सबको कसम देना मच्छी पेट भर के खाए रे बाबा पेट में तो बड़ा थाली में खाए इतनी सारी चिकन के आइटम भी लाए खाना इतनी सारी मच्छी मच्छी का सालन चिंगा तो बताओ जरा बाती का खाना नहीं रो रो के अभी आज रहते थे साथ में बैठ के खाते थे ऐसा ऐसा छोटे मच्छी लाना ताजा बोला मैं वैसे ही से लाएगा ना मैं बोला हाँ वैसे रात को उसको फोन कर दिया उठा रहा सवेरे फिर 5 बजे फोन किया बोले मच्छी मत लाना बोला क्यों अरे बोले मत लाना नहीं आ रही है वो फिर उसको मैंने दूसरे दिन फोन कर पक्का आएगी ना बोले आगे मेरे को इतनी जगह दावत है आप लोग जब वीडियो में देख रहे थे कितने मेहमान लोग भी घर पे आ रहे थे जो वीडियो मैंने आते इधर दावत थी वो तो मैंने बनाई वीडियो ये सब जगह अलाउ नहीं रहता है लेकिन कल ये दावत दिए थे कल मैं बिजी थी इसके लिए मैं आ जाए इनकी
बिरयानी खा लेता हूँ।
ने देखो हार लाए, मिठाई लाए माशाल्लाह, और खाना तो दिल खोल के खिलाया, मच्छी मटन चिकन झींगा विंगा सब चीज है ना, अच्छे के जो नसीब में था वो मिला। नहीं ऐसी किसी के दिल में वो मोहब्बत हो कि हम भी उमरा करने जाए, शायद ऐसा मेरा सोच था। सोची बहुत अच्छी थी, एक दूसरे को देख के सही में सही बातें दिल में उमंग जगती है कि हम भी उम्रा करने जाए, हम भी उम्रा करने जाए, तो अल्लाह हर सबकी तमन्ना पूरी करे। और बेशक अल्लाह का घर अल्लाह हर मोमिन मोमिनात को दिखाए। अब हार उतारू इनका बच रहे, तो ये बोले पूरा पेन के ही जाके है ना, प्यारी लग रही ना मेरी बच्ची, अच्छा हार लग जाएगा। अभी इसमें मैं फोटो भी खींचूंगी ना, सिंगल है ना, अभी फोटो खींच पड़ा है। मैं तो बस तो लौट रही थी घर के अंदर, हमारी सबकी जगत माता है, तभी एक बार संसार लेके चल रहे आता है, तभी है ना कुछ पल के लिए खुशी दे दी है। मेरे बच्चे छोटा छोटे बोलेंगे ना, क्यों छोटा छोटा और वो तो बोल लेके अच्छा जो फातू का ना बहुत प्यारा हाल है ना, एकदम खूबसूरत है, अच्छी जैसी से लोग को तूने भेजी ना, उद्देश्य मेरा रोवा रोवा तेरे को दुआ देता है। और मैं दिल की बात बताती हूँ कि इनका भी रोवा रोवा तेरे को दुआ देता होगा, चाहे दिल से दे या मुंह से दे वो मतलब नहीं है, लेकिन का हर एक चीज में तेरे लिए दुआ होगा। और उनके नसीब में सच्चा जाना लिखा था, सोचे भी नहीं तरह माँ के तुम जाएंगे करके। सपोर्ट तो बनेगा, मैं वही बोली तेरी अम्मी और हो, दिल से या मुंह से दुआ दे या ना दे, लेकिन अरे नीचे जमा तेरे बोले तो मुझसे बोलता, अरे अभी तेरी माँ का पासपोर्ट 15 दिन होगा, तो बोले माँ ऐसा नहीं होगा, बोले कौन बोला, बोले अभी सब लोग नमाज में से निकले ना, लोग बोले 15 दिन मैं बोले मेरा पासपोर्ट आ गया, अभी क्या बात कर रहे, अरे कल तो तुम परसों तो गए, अरे मैं बोली आ गया पहुंचने सुबह देखने गया, बोलते अरे फिर नीचे गया, बोलते अरे मेरी माँ का पासपोर्ट तो आ गया। कुछ पब्लिक के दिल में वो ऐसी ख्वाहिश आए कि हम भी ज़ियारत करें मदीना, लेकिन ये लोगों देख के बहुत लोग की दिल की ख्वाहिश चली गई। हाँ अल्लाह करे और जन की जगह, लेकिन आज मैं सोची थी ना अगर उससे होता ना बेटा शायद और कुछ जन की, क्योंकि भाई हम अगर हम भी वहाँ से आते ना तो आज हमारी भी ऐसी इज्जत होती, क्योंकि मदीने का मतलब ही हुआ कि खुदा के घर गए। लेकिन यही मदीने में बैठे हैं ऐसा लगता है यहाँ से उठे ही नहीं, जन्नत मिल गई, इतना अच्छा लगता है उठने का दिन, तीन चार बज जाता तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ता, आए थे ना बच्चे लोग सब लोग को विदा करने जाके, मेरे सास ससुर लोग सब लोग जाके आए अपने घर से, पहले मुझे पूरे देख के तो सबको इतना दिल कर जा रहा है कि अल्लाह वहाँ ही का जा रहा है, हम भी जाए। हाँ मदीना बहुत नजीक था होटल से, ये मक्का है हम लोग को, नहीं छोकरी ने डाली थी ना ये वाली छोकरी ने पूरा पूरा काबा का डाली थी। देखो पहली बार ऐसा हुआ, देखेगा ना अपने चिल्ला चिल्ला के रोते नहीं, मेरा अम्मी का भी नहीं लगता था मेरे को फोन, मैंने देखी तेरा नोटिफिकेशन, अम्मी को भेजने वाली थी और अम्मी के साथ तीन जन चाहिए, सिकंदर को भेजूंगी तो अम्मी को भेज दे, ये प्लान हम लोग बनाए थे, लेकिन जो लोग के साथ में तीन जन कुछ प्रूफ भी नहीं है, कुछ नहीं है, पासपोर्ट कैसा बनेगा, ना स्कूल का है ना वो पैदा हुए है और कुछ भी नहीं है, खाली वो था आधार कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड पे दुनिया भर के वो फोड़ के थप्पे एग्जामिन किए गए, लेकिन इंशाल्लाह बोलते अल्लाह बुलाते तो कोई नहीं रोक सकता, माशाल्लाह फातू खाला की दस से दावत में से आ गए, और दावत तो माशाल्लाह फातू खाला ने बहुत अच्छी दी थी है ना फ्रेंड, हाँ, बहुत अच्छा खाना दिया,
और हम लोग को ज़्यादा मच्छी पसंद है, इसलिए मच्छी के आइटम बहुत ज़्यादा रखी थी बातों खाला ने। लेकिन हम लोग खा खा के कितनी खाएंगे, एक पीस दो पीस बस। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी दावत थी, थैंक यू फातू खाला। और फातू खाला है अनु की सगी खाला, सबों की सगी खाला सास, और जो मेरी छोटी बहन है रुक्कू उसकी सगी सास, जो मेरी दोनों बहन देरानी जेठानी भी है। और बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्दी फातू खाला को भी अल्लाह का घर देखने बुला ले, है ना। और सच में बहुत दिल से दावत दी फातू खाला ने, जो जो दावत दे रहा है ना हम लोग इतने दिल से दे रहा है। मेरी फुफ्फी ने भी दावत दी थी तो माशाल्लाह मच्छी की इतनी आइटम थी कि जिसकी कोई हद नहीं है, है ना। और फातू खाला ने भी इतनी आइटम रखी कि पूछो मत। तो जजाक अल्लाह।